in this problem let's understand this problem let p x not comma y not be the point on the hyperbola 3x square minus 4y square equal to 36 which is nearest to the line then root two y not minus x not is equal to ठीक है ये आपको दे रखा है और ये भी कंपलसरी क्वेश्चन क्लियर देख रहे हैं आप कंपलसरी क्वेश्चन है अब इसको डिकोडर करने की हम लोग कोशिश करते हैं ठीक है एक्स स्क्वायर बाय ट्वेल्व माइनस वाई स्क्वायर बाय नाइन इज इक्वल टू वन ये आपका हाइपर बोला है राइट अब ये लाइन है आपकी थ्री एक्स प्लस टू वाई राइट इस तरह से लाइन है है ना ये आपका हाइपर बोला है करेक्ट ये टू रूट थ्री कॉमा जीरो आ जाएगा ठीक है अब इसके नियरेस्ट ये आएगा ऐसा कुछ नियरेस्ट पॉइंट आएगा ये इसके नियरेस्ट पॉइंट है तो देखो नियरेस्ट का मतलब क्या होता है ये टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो यही हो जाएगी ना माइनस थ्री बाय टू राइट 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 ये टेंजेंट की स्लोप यह होगी माइनस थ्री बाई टू इस टेंजेंट की स्लोप करेक्ट यही तो होगी नियरेस्ट नियरेस्ट यही होगी जब ये स्लोप सेम होगी तो यही कंडीशन होती है आई होप आप लोगों को ये कंडीशन याद है आई होप आप लोगों को ये कंडीशन याद है तो अब मैं निकालता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर ट्वेल्व इंटू एम स्क्वायर नाइन बाय फोर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इस तरह से आ गया तो y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एटीन ये आ गया भैया ये आ गया अब आप देखो ठीक है इसको कर लेते टू वाय प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये थ्री रूट टू होता है सिक्स रूट टू हो गए ठीक है सिक्स रूट टू हो गया अब ध्यान से देखिएगा जब इसको मैं एक्स इक्वल टू एक्स 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 वन वाले इससे लिखो टी इक्वल टू जीरो फॉर्म से लिखूंगा तो यह आ जाएगा थ्री एक्स एक्स वन माइनस फोर वाई वाई वन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अब मुझे देखो एक चीज की अंडरस्टैंडिंग है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कैसे रखूंगा बताता हूं देखो यहां पे ना देखो थ्री एक्स वन अपॉन थ्री ये दोनों इक्वेशन सेम है कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा थ्री एक्स वन फिर माइनस फोर वाई वन अपॉन टू इज इक्वल टू मेरा को वाई नेगेटिव चाहिए ना तो इसको सिंपली पॉजिटिव ले लूंगा थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स रूट क्या आ गया सिक्स तो देखो मेरा एक्स वन क्या आया है ना अब पे करता इसको एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टू वाई वन इज इक्वल टू सिक्स थ्री रूट टू आ गया तो एक्स वन की वैल्यू थ्री रूट टू आई है ना वाई की वैल्यू बेसिकली यही पॉइंट से हो वाई वन की वैल्यू मेरी माइनस थ्री बाय रूट टू आ गई इनफैक्ट मैं एक्स वन को यहां पे ऐसे रख सकता हूं हाँ नेगेटिव ही आ रहा है ना आंसर नेगेटिव ही आएगा सही है ठीक है तो रूट टू इन टू बाय जीरो माइनस थ्री बाय रूट टू माइनस एक्स नॉट ठीक है तो कितना आ गया माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन आ गया विच इज ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ठीक है अब यहां पे जो की पॉइंट है ना वो क्या है आप सोच के देखिए कोई भी कोनी को उसके नियरेस्ट जैसे अगर ये लाइन जा रही है तो नियरेस्ट पॉइंट जो भी होगा ना उसमें जो स्लोप बनेगी और यहां पे जो टेंजेंट की स्लोप बनेगी वो सेम होगी या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्स लाई अलॉन्ग दॉमन नॉर्मल और कॉमन नॉर्मल होगी मतलब यह इसकी भी नॉर्मल है इसकी भी नॉर्मल है अगर दोनों की नॉर्मल है इसका मतलब यहां पर जो टेंट की स्लोपाएगी और यह टेंट की स्लोप आएगी वो बराबर होगी ये दोनों पैरल लाइन होंगी ये दोनों आप लोगों की पैरल लाइन हो जाएंगी तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किया जाता है यह आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है यह आपका क्वेश्चन नंबर फाइव था जो वन फेब्रवरी शिफ्ट टू के अंदर आया था अगर इसको कोई भी किसी को भी स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे आते हैं ना तो सारे कर सकता है तो पांच में से देखो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट से किए राइट पांच में से तीन क्वेश्चन हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट से किए अगर किसी को भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं तो वो आराम से इन क्वेश्चन को कर सकता है ठीक है क्लियर है ना